नमस्कार दोस्तों, मैं एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं हमारे वॉचर चैनल में। तो अभी हम देख पा रहे हैं कि मार्केट थोड़ी डंप हो रही है, लेकिन फिर भी मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि मैं आपके लिए 5 कॉइन्स लेके आने वाला हूं जो मैं टेलीग्राम के ऊपर पोस्ट करूंगा। लेकिन ये कॉइन्स बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो यहां एक्सप्लेनेशन भी जरूरी है। इस कारण ये वीडियो के थ्रू मैं आपको 5 कॉइन्स बताने वाला हूं जो पंप होने वाले हैं। बाकी की सारी अपडेट्स मैं आपको देने वाला हूं हमारे टेलीग्राम के ऊपर जो है @wobfedofficial, हमारा टेलीग्राम चैनल है जहां आपको सारी अपडेट्स साथ के साथ मिलती रहेगी 24/7। BTC का नेक्स्ट मूव क्या होने वाला है सब कुछ आपको वहीं पता लगेगा। लेकिन अगर आप डिस्कशन करना चाहते हैं किसी भी कॉइन के बारे में, टॉपिक के बारे में, तो वो आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारा टेलीग्राम ग्रुप जो है वॉल्फ्रेड डिस्कस के नाम से। दोनों लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो एक चीज तो आपने शायद नोटिस कर ही ली होगी कि इस बार जो डंप है ओवरऑल मार्केट का, वो उस तरीके का नहीं है जो हमने पिछले 2-3 महीने पहले देखा था। क्योंकि उस वक्त बिटकॉइन की सिचुएशन बहुत ही ज्यादा पैथेटिक थी, सभी ऑल्ट कॉइन्स बिटकॉइन के साथ साथ डंप हो रहे थे क्योंकि बिटकॉइन करीब $29,000 तक पहुंच चुका था। लेकिन इस बार हम देख पा रहे हैं कि जितने भी ऑल्ट्स हैं, अगर वो फंडामेंटली स्ट्रांग हैं, अगर उनके टेक्निकल स्ट्रांग हैं, तो वो अपना खुद का चल रहे हैं, अपना खुद का पंप ले रहे हैं, उनका बिटकॉइन के साथ कोरिलेशन बहुत ज्यादा कम है। इसके अगर हम कुछ कॉमन एग्जांपल्स लें तो यहाँ सोलाना की बात कर लो या फिर आडा की बात कर लो, इसी के साथ टेरा लूना में, एवलांचे में, एटम में, बहुत से ऐसे कॉइन्स हैं जो मैं हमेशा आपके साथ टेलीग्राम पे शेयर करता रहता हूँ क्योंकि अभी भी बुलिश चल रहे हैं, जिनका बिटकॉइन के साथ डंप नहीं आया है। तो यही कारण है कि क्रिप्टो करेंसी मार्केट में हमेशा फंडामेंटल्स को देखते हैं। फंडामेंटल स्ट्रांग होंगे, पॉजिटिव न्यूज होगी, तो हमेशा हमें पंप देखने को मिलेगा ही मिलेगा। आपने एक चीज नोटिस करी होगी कि शिप कॉइन जो बहुत लंबे समय से पंप नहीं हो रहा था, वो बिटकॉइन डंप होने पर पंप हुआ है। तो इसके साथ मैं आपको एक टिप देना चाहता हूँ 5 कॉइन शुरू करने से पहले। तो सबसे जरूरी टिप है जो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ पहले बहुत बार, कि आप ऐसे कॉइन्स को होल्ड मत करें जो फंडामेंटली स्ट्रांग नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने डॉज किया हुआ है होल्ड या फिर ट्रॉन होल्ड किया है, ऐसे और भी छोटे छोटे कॉइन्स हैं जिनमें मूवमेंट नहीं आने वाली, उसमें आपकी जितनी भी लिक्विडिटी है उनको फिएट में कन्वर्ट करके अच्छे कॉइन्स में एंट्री लेना शुरू कर दो। क्योंकि अगर आप उनको होल्ड करके रखोगे तो पंप तो शायद नहीं आएगा, लेकिन आपका जो भी अमाउंट है अगर हम उसको फिएट में कन्वर्ट करके देखते हैं तो वो डिक्रीज होता चला जाएगा लगातार। अभी आप खुद देख सकते हैं कि डॉज कॉइन इतना वीक प्रोजेक्ट है कि उसमें बहुत ही ज्यादा डंप आ चुका है बिटकॉइन के साथ साथ। मेरा मानना यही है कि आप वहां से पैसा निकालकर स्ट्रांग प्रोजेक्ट में पैसा लगाओ, वहां से एक अच्छा खासा रिटर्न लो। रिटर्न लेने के बाद अगर आप फिर भी चाहते कि उन्हीं कॉइन्स में आपने एंट्री लेके रखनी है या फिर होल्ड करके रखना है, तो फिर दोबारा से आप कुछ कॉइन्स होल्ड कर सकते हैं। यानी कि अगर आपने अच्छा प्रॉफिट कमा लिया तो आप दोबारा से डॉज कॉइन को होल्ड कर सकते हैं अगर आपको अभी भी लगता है कि ये फ्यूचर में बहुत ज्यादा बुलिश होने वाला है। तो मैं सिर्फ डॉज कॉइन को टारगेट ही नहीं कर रहा, बल्कि और भी बहुत से कॉइन्स हैं। ऐसा भी हो सकता है कि डॉज कॉइन इस महीने या फिर आने वाले महीनों में अच्छा पंप ले, क्योंकि उसका एक डॉज फेस्ट भी आने वाला है। मैं सारी डिटेल्स ऑलरेडी दे चुका हूँ हमारे पिछले कुछ वीडियोस में। टिप के साथ थोड़ा सा वीडियो लंबा हो चुका है, लेकिन इसको अभी से लाइक कर दो और हमारे चैनल वॉल्फ्रेड को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आप तक सारे नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे। अभी हम शुरू करते हैं 5 कॉइन्स। कौन से ऐसे 5 कॉइन्स हैं जो आपको अच्छा प्रॉफिट दिला सकते हैं इसी महीने के अंदर? इवेंट्स की बात करें तो ऑलरेडी कार्डानो आपको अच्छा प्रॉफिट दे चुका होगा, करीब $3 को टारगेट कर रहा है। पूरी उम्मीद है कि $3 के रेजिस्टेंस को ब्रेक करेगा। ऐसे इवेंट्स के बेसिस पर हम आपके लिए 5 कॉइन्स लेकर आए हैं। सबसे पहला जो कॉइन है वो है ELF, ELF कॉइन। तो एक्चुअल में ELF एक ओपन सोर्स ब्लॉकचेन नेटवर्क है जो कि बिजनेस सॉल्यूशंस प्रोवाइड करने के लिए बनाया गया है, जिसके ऊपर डैप्स को डिप्लॉय किया जा सकता है, रन किया जा सकता है। तो ये एक किस तरीके का स्ट्रक्चर है जो वन चेन प्लस मल्टीपल साइड चेन्स के ऊपर काम करता है। करंटली ये $1 से भी नीचे चल रहा है, करीब $0.8 के आसपास चल रहा है। और इसका एक बहुत ही बढ़िया इवेंट आने वाला है, मेननेट टोकन स्वैप आने वाला है जो सितंबर महीने के अंदर ही आएगा। तो मेननेट लॉन्च होने पर यहाँ एक अच्छा हमें मूव देखने को मिल सकता है, और वैसे भी ये स्ट्रांग प्रोजेक्ट है, इसको आप होल्ड भी करके रखोगे तो आने वाले समय में आपको अच्छा प्रॉफिट दिला सकता है क्योंकि अभी इसकी खास वैल्यू नहीं बढ़ी है। सेकंड कॉइन की बात करें तो बहुत लोगों ने जिन्होंने लाइट कॉइन मिस कर दिया, लाइट कॉइन एक्चुअल में हमें तब बाय करना चाहिए था जब $20-30 के आसपास चल रहा था। अभी हमने $250 तक भी देखा है पिछले कुछ महीनों में, लेकिन अभी लाइट कॉइन अगर आपके हाथ में नहीं आ रहा है तो लाइट कॉइन कैश बाय करने का मौका आ चुका है। $0.01 के आसपास चल रहा है, बहुत ही कम प्राइस है। बिल्कुल वैसे अगर आपने इथेरियम मिस कर दिया और आपने इथेरियम कैश बाय किया, या फिर अगर आपने BTC मिस कर दिया तो आपने बिटकॉइन कैश बाय किया, वैसे ही लाइट कॉइन की जगह अभी आप LCC बाय कर सकते हैं, लाइट कॉइन कैश, जिसकी वैल्यू बहुत ही कम है। तो एक्चुअल में लाइट कॉइन कैश भी एक क्रिप्टो करेंसी है जो फॉक्ड करी गई है लाइट कॉइन के ऊपर। तो यहाँ LCC बनाए जाते हैं प्रोसेस ऑफ माइनिंग के द्वारा जो SHA-256 है, और हाई माइनिंग के द्वारा। तो 16 सितंबर को ब्लॉक रिवॉर्ड हाविंग आने वाला है, यानी कि हाफ कर दिए जाएंगे ब्लॉक के रिवॉर्ड्स। इसी के साथ वोटिंग विंडो ओपन होने वाली हाई 1.2 अपग्रेड के लिए, CPU माइनिंग चालू हो जाएगी और इकोनॉमिक पैरामीटर्स चेंजेस आने वाली हैं। तो LCC स्ट्रांग प्रोजेक्ट है, इसके इवेंट्स भी बहुत ही करीब आ चुके हैं एंड इसकी वैल्यू मैंने आपको बता दी है बहुत कम है।
तभी बिल्कुल सही मौका है लॉन्ग टर्म होल्ड करने के लिए भी ये बेस्ट कॉइन आपके लिए रहेगा, क्योंकि आपको लॉन्ग टर्म में बहुत जबरदस्त प्रॉफिट दे सकता है। तीसरे कॉइन की बात करें तो यह हीलियम HNT, हालांकि इसकी वैल्यू करीब $20 के आसपास है, लेकिन ये भी बहुत बुलिश कॉइन है। एक्चुअल में जो हीलियम प्रोजेक्ट है बहुत स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट है, बहुत ही एडवांस लेवल का है, तो ये अलाउ करता है लो पावर्ड वायरलेस डिवाइसेस को कम्युनिकेट करने के लिए। एक हफ्ते बाद इसका एक इवेंट भी आ रहा है, 5G फ्रीडम 5 गेटवे आने वाला है, यानी कि एक डिसेंट्रलाइज नेटवर्क होगा जो इंसेंटिवाइज किया जाएगा HNT के द्वारा। तो हीलियम प्रोजेक्ट भी बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है। नेक्स्ट प्रोजेक्ट की बात करें तो आप सभी के पास शायद होगा, क्योंकि बहुत बार हम बता चुके हैं हमारे टेलीग्राम के ऊपर कि आप केक बाय कर लो, एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कॉइन है। तो पैनकेक स्वैप का कॉइन आप केक बाय कर सकते हैं, जिसकी वैल्यू करीब अभी $20 के आसपास ही चल रही है। तो पैनकेक स्वैप का तो आप सभी जानते होंगे कि एक्चुअल में ये एक ऑटोमेटेड मार्केट मेकर है, जिसके ऊपर यूजर्स को लिक्विडिटी प्रोवाइड करने पर, फार्मिंग करने पर यहाँ एक अच्छा खासा रिटर्न दिया जाता है। तो इसका भी एक बहुत बड़ा इवेंट आने वाला है। फाइनली पैनकेक स्वैप अपना NFT मार्केट प्लेस लॉन्च करने वाला है, जो इसका फर्स्ट वर्जन रहने वाला है। इसके ऊपर मिंटिंग भी पॉसिबल होगी पैनकेक स्क्वाड NFTs की 22nd September से। तो केक हमेशा की तरह बुलिश ही रहेगा, केक को आप होल्ड करके भी रख सकते हैं। एंड लास्ट कॉइन की बात करें तो लास्ट कॉइन भी बहुत स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट है, यह है दाओ मेकर। तो इसका मेन काम यही है कि ये प्रोजेक्ट्स को दाओ बनाने में सहायता करता है। अगर आप दाओ या डाओ का मतलब नहीं जानते तो यह डिसेंट्रलाइज ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन, जैसे कि आपने शायद ओम दाओ देखा होगा, ओम का टोकन भी आपने शायद देखा होगा, बिल्कुल वैसे ही और भी बहुत से ऐसे दाओज हैं। तो एक्चुअल में दाओ मेकर लॉन्च होने वाला है बाइनेंस स्मार्ट चेन के ऊपर, तो इसी के की ट्रांजैक्शंस और भी ज़्यादा स्केलेबल रहने वाली हैं, लो फीस पे रहने वाली हैं और भी ज़्यादा फास्ट रहेंगी। दाओ की करंट वैल्यू करीब $2.3 के आसपास चल रही है, तो ये भी होल्ड करने के लिए अच्छे प्रोजेक्ट्स में से एक है। तो ज़्यादातर जितने मैंने आपको अभी प्रोजेक्ट्स बताए हैं, इनके या तो इवेंट्स आने वाले हैं या फिर ये होल्ड करने के लिए बेस्ट प्रोजेक्ट्स में से एक हैं। ये थे हमारे 5 कॉइन्स। इसी के साथ एक टिप भी मैंने आपको दी है, अगर आप उसको भी फॉलो करते हैं तो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद रहेगा, आपका पोर्टफोलियो बेटर हो सकता है। आपका क्या मानना है इन 5 कॉइन्स के बारे में कृपया नीचे कमेंट करके जरूर बताना, और नेक्स्ट वीडियो को किस कॉइन या टॉपिक के ऊपर चाहिए नीचे कमेंट कर दीजिए। हम जल्द ही अपना नेक्स्ट वीडियो फ्यूचर्स के ऊपर भी लेके आने वाले कि फ्यूचर्स में आप ट्रेडिंग कैसे कर सकते हैं, तो हम पूरे बेसिक्स उस पर कवर करने वाले हैं। तो अगर आपको जल्दी वीडियो चाहिए तो नीचे कमेंट कर देना, फ्यूचर्स हम जल्द ही उसका वीडियो लेकर आएंगे। बाकी की हमारी सारी अपडेट्स आपको मिलने वाली हमारे टेलीग्राम के ऊपर, जो है वॉल ट्रेड ऑफिशियल और वॉल ट्रेड डिस्कस, दोनों लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करते हुए हमारे चैनल वॉल ट्रेड को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि आप तक सारे नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे। स्टे ट्यून्ड, वॉल ट्रेड साइनिंग आउट।